अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त हूँ हाथी चौक सदर। ये बहुत पुरानी और कदीम जगह है। इसके इर्द गिर्द आपको खाने पीने की ज़बरदस्त जो है वो दुकानें आपको नज़र आएंगी, होटल दिखाई देंगे। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, यहाँ एक बहुत ही मशहूर मछली की शॉप है उसकी तरफ जा रहा हूँ। फ्राई मछली वहाँ पे मिलती है, तो हम लोग काफ़ी अरसे से उस मछली को जो है वो शौक़ से खाते हैं। तो इधर आने के लिए आप अगर कश्मीर रोड की तरफ से आएंगे तो आप जहाँ आप कह लें कि पहले GDS का अड्डा हुआ करता था, राहत कैफ़े होटल भी है, वहाँ से आपने मगरब की तरफ आना है हाथी चौक की तरफ। एक तो ये रास्ता है, यानी वहाँ GTS का अड्डा और अब वारान का अड्डा भी रहा है काफ़ी अच्छा, बल्कि पहले वक्तों में वहाँ तांगा स्टैंड भी हुआ करता था। फिर दूसरा रास्ता जो है वो है गखड़ प्लाज़ा की तरफ से, जब आप आएंगे यानी बैंक रोड से जहाँ गखड़ प्लाज़ा स्टार्ट होता है वहीं से आपने राइट टर्न ले लेना है और बिल्कुल सीधे आ जाना है। सीधे आएंगे, पहले एक चौक आएगा, उस चौक को क्रॉस करेंगे तो छोटा बाज़ार बीच में से जो ना आप गुज़र के तो आप आ जाएंगे सीधे इस शॉप के पास। तो ये दो रास्ते हैं जी। बाकी मेरी बैक साइड पर जो है वो रेलवे स्टेशन का एरिया है, यानी कोला सेंटर भी है बैक साइड पे। तो रेलवे स्टेशन से जब आप आएंगे तो कोला सेंटर को क्रॉस करते हुए आप लोग हाथी चौक पहुंच जाएंगे और यहाँ आप आकर अपनी मनपसंद मछली को एंजॉय कर सकेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये शॉप। अल्लाह की मेहरबानी है। आपके पास कौन कौन सी मछलियाँ हैं? पॉम्फ्रेट है, साइमन है, मुझका। अच्छा, तो ये इतना अच्छा टेस्ट जो है वो इस पे कैसे आप डेवलप करते हैं? ये बस शुरू से एक टेस्ट हमारा बना हुआ है, एक नाम है, एक ब्रांड है। अच्छा, इसलिए चलता आ रहा है। तो तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? ऑलिव ऑयल भी होता है और साथ सोयाबीन यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये असल में तो ये वजह है इसलिए लोग आपकी तरफ भागते हुए आते हैं ना? जी बिल्कुल ऐसा ही। कितना अर्सा हो गया बिजनेस आपका? 57 साल हो गए तकरीबन। माशाल्लाह जी, चले जी, थैंक यू वेरी मच।
दिन हमने ऑर्डर किया था साइमन फिश का, क्योंकि साइमन फिश में जो है वो कांटे नहीं होते। तो अभी मैं आपके सामने रिव्यू करूंगा ये जो मछली है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप क्या करो, आज उस्मान साहब को भी लेके आया हूँ जी। अजीन, बहुत जूसी टेस्टी और डिलीशियस मछली हमारे रावलपिंडी की हाथी चौक के पास मुस्तफ़ा दारुल माही। जब भी आप आएँ इधर आके लाजमी एक दफ़ा टेस्ट करें, आपको इस मछली का जायका और कहीं नहीं मिलेगा। मैं कंफर्म करता हूँ, बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ, ये जायका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है, इसका जायका बड़ा यूनिक सा है। मिर्चें जो है वो कम है, मिर्चें इतनी तेज नहीं है, बस दरमियानी सी है और एब्सोल्युटली अमेजिंग, फैंटास्टिक। सॉफ्ट है बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, फैंटास्टिक टेस्ट। ऐसे दराज से हम लोग खाते आ रहे हैं इसको, तो अभी मैं खाऊंगा खाना। इसके साथ हमने नान ऑर्डर किया, तो मुझे आप देंगे आप इजाज़त, मिलेंगे फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाय भाई, थैंक यू वेरी मच। सर एक ले ले प्लीज, बहुत मेहरबानी, अभी खाइए बस। एक ही लेना हो क्या रे? कितने अरसे से आ रहे हैं जी आप उधर? यार काफी अरसा होगा। अच्छा, काफी अरसा होगा गालबन, हर सीजन में 3 से 4 चक्कर तो लग ही जाते। अच्छा, और ये बहुत तंग करता है, मुझे बताइए ये वाला, ये सही ऑर्डर नहीं आ रही है। ट्रू लव है जी, ट्रू लव। ये हमारा बड़ा अच्छा भाई है, हम इसी के टेबल पे आके बैठते हैं। अच्छा, इसकी सर्विस अच्छी है। माशाल्लाह, आप तो काफी ना गैदरिंग है आपकी अभी जो आप आए हैं। अच्छा, काट रहे जी, 8 छोड़ के आए, 8 आए हैं। अच्छा, मुझे फोन पे कहते हैं किधर गए हो। नाज़रीन, मैं जब इनको पेमेंट करने के लिए आया तो इन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं पाकिस्तान के, तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस जी। थैंक यू वेरी मच जी।